हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में देखा ऊष्मा इंजन और रेफ्रिजरेटर के बारे में। अब हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे कार्नो प्रमेय। कार्नो प्रमेय का अध्ययन या कार्नो प्रमेय होती क्या है, इसके लिए हमें थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा ऊष्मा इंजन और कार्नो द्वारा दिए गए ऊष्मा इंजन के बारे में। इसमें हमने पढ़ा कि कार्नो इंजन में जो कार्यकारी पदार्थ है उच्च ताप के स्रोत से Q1 ऊष्मा का अवशोषण करता है, इसके द्वारा W कार्य किया जाता है या W ऊर्जा को कार्य में परिवर्तित कर दिया जाता है और शेष बची हुई ऊष्मा निम्न ताप के स्रोत या सिंक को हस्तांतरित कर दी जाती है और पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। कार्नो इंजन जो है कार्नो चक्र पर भ्रमण करता है और इसमें इस चक्रीय प्रक्रम में चार प्रक्रम जो होते हैं, दो समतापीय और दो रुदोष्म प्रक्रम, ये चारों प्रक्रम जो है वह उत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं। अर्थात स्रोत का ताप ऊष्मा देने के पश्चात भी नियत रहता है, सिंक ऊष्मा ग्रहण करने के पश्चात भी ताप को नियत रखता है और इस पूरे प्रक्रम में किसी भी प्रकार से ऊष्मा पर हानि नहीं होती, घर्षण विकिरण चालन और संवहन के रूप में ऊर्जा की हानि नहीं होती। अर्थात यह इंजन जो है उत्क्रमणीयता की सभी शर्तों का पालन करता है और इस प्रकार के इंजन को विपरीत क्रम में चलाकर विपरीत क्रम में गति करवाकर हम रेफ्रिजरेटर की भांति इसका उपयोग कर सकते हैं, जो निम्न ताप के स्रोत से ऊष्मा को ग्रहण करता है, उस पर कार्य करने के पश्चात यह Q1 ऊष्मा उच्च ताप के स्रोत को हस्तांतरित कर देता है। इस प्रकार हमने देखा कि किन्हीं दो तापों के मध्य कार्य करने वाले उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता जो होती है वह अधिकतम होती है। अर्थात उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता दो तापों के मध्य कार्य करने वाले उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता का मान अधिकतम होता है और इसका मान कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर नहीं करता। यह जो निष्कर्ष है वह कार्नो ने फाइंड आउट किया और इसी को कहते हैं कार्नो प्रमेय। दो तापों के मध्य कार्यरत उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता अधिकतम होती है और यह कार्यकारी प्रदार्थ पर निर्भर नहीं करता। यह जो स्टेटमेंट है, यह जो निष्कर्ष है वो कार्नो प्रमेय है। अर्थात जो समान तापों के मध्य कार्य करने वाले उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता अधिकतम होती है, अर्थात दो समान तापों उन्हीं तापों के मध्य अगर कोई अनुत्क्रमणीय इंजन कार्य कर रहा है तो उसकी दक्षता जो होती है उत्क्रमणीय इंजन की तुलना में कम होती। तो हम इस प्रमेय के सत्यापन को दो भागों में अध्ययन करेंगे। प्रथम भाग कि दो समान तापों के मध्य कार्य करने वाले उत्क्रमणीय इंजन इंजन की दक्षता अधिक होती है, किससे? अनुत्क्रमणीय इंजन की दक्षता से। इसको हम नाम दे रहे हैं θr। θr का मान जो है रिवर्सेबल r और नॉन रिवर्सेबल इरिवर्सेबल इन r। अनुत्क्रमणीय इंजन की दक्षता को हमने ईटा
आई से डिनोट किया है और उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता को बीटा आर से डिनोट किया है, अर्थात उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता का मान अनुत्क्रमणीय की तुलना में अधिक होता है। और दूसरा पार्ट हम करेंगे दो उत्क्रमणीय इंजन के लिए, एक है ईटा आर वन, एक यानी कार्यकारी पदार्थ का परिवर्तन कर दिया और समान तापों के मध्य अगर कोई अनुत्क्रमणीय इंजन कार्य कर रहा है तो उसकी जो दक्षता है वो समान है। तो यह दो कथन हमें सिद्ध करने हैं, ये दो कथन सिद्ध करेंगे तो हमारा कार्नो प्रमेय सिद्ध हो सकता है। इसके लिए हमने एक स्रोत लिया जिसका ताप है T1, एक सिंक है जिसका ताप है T2, दो इंजन की कल्पना करें, एक उत्क्रमणीय R और एक अनुत्क्रमणीय I, दोनों इन समान ताप के ऊर्जा स्रोतों के मध्य कार्य कर। तो यह स्रोत से कुछ ऊष्मा ग्रहण करेगा और सिंक को रूपांतरित करेगा। इसी प्रकार आई जो है वह यह क्यू डैश ऊष्मा ग्रहण करता है, यह क्यू ऊष्मा ग्रहण करता है, यह क्यू माइनस डब्ल्यू ऊष्मा हस्तांतरित करेगा, यह क्यू डैश माइनस डब्ल्यू ऊष्मा हस्तांतरित करेगा। ठीक है, तो प्रथम कथन की पुष्टि के लिए या प्रथम भाग की पुष्टि के लिए यहां पर हम इन दोनों कथनों की पुष्टि के लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कथन में है उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता का मान अनुत्क्रमणीय इंजन की दक्षता से अधिक होता है। तो हमने ये माना कि T1 ताप के स्रोत और T2 ताप के स्रोत के बीच में दो इंजन कार्य कर रहे हैं, एक उत्क्रमणीय इंजन एक अनुत्क्रमणीय इंजन। उत्क्रमणीय इंजन उच्च ताप के स्रोत T1 से क्यू ऊष्मा ग्रहण करता है, W कार्य करता है और शेष बसी हुई ऊष्मा Q माइनस W को यह सिंक को हस्तांतरित कर देता है। तो इस प्रकार के स्रोत के लिए दक्षता का मान हो जाएगा W अपॉन Q। अनुत्क्रमणीय इंजन के लिए मान लिया यह स्रोत से क्यू डैश ऊष्मा ग्रहण करता है, W कार्य करेगा और शेष बची हुई ऊष्मा क्यू डैश माइनस W को यह सिंक को हस्तांतरित करता है निम्न ताप के स्रोत पर। तो इसकी जो दक्षता है उसका मान आ जाएगा ईटा I इक्वल टू W अपॉन क्यू डैश। अब इस कथन की पुष्टि के लिए हम एक परिकल्पना लेते हैं और परिकल्पना हमारी प्रारंभिक परिकल्पना के विपरीत ये मान लिया हमने कि अनुत्क्रमणीय इंजन की दक्षता का मान उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता की तुलना में अधिक है। अगर हमारा रिजल्ट अनकन्वेंशनल या कोई ऐसा रिजल्ट आ जाएगा जो सही नहीं हो सकता तो हमारी ये परिकल्पना गलत हो जाएगी और इसके विपरीत जो हमारा कथन था जो स्टेटमेंट है कार्नो प्रमेय वो सच होगा। तो इसके लिए हमने विपरीत परिकल्पना मानी कि अनुत्क्रमणीय इंजन की दक्षता का मान उत्क्रमणीय से अधिक होता है। मान रख दिया W अपॉन Q डैश इज ग्रेटर देन W अपॉन Q। W कॉमन है कैंसिल हो जाएगा, इनवर्ट करें तो Q डैश इज ग्रेटर देन Q या Q डैश माइनस Q इज ग्रेटर देन 0, अर्थात Q माइनस Q डैश का मान धनात्मक पॉजिटिव होगा। यह हमारे पास रिजल्ट आ गया इस परिकल्पना के थ्रू Q माइनस Q डैश का मान धनात्मक होगा। अब चूंकि R एक रिवर्सिबल उत्क्रमणीय इंजन है, इसको विपरीत क्रम में एज ए रेफ्रिजरेटर की तरह उपयोग किया जा सकता है। रेफ्रिजरेटर की तरह उपयोग करने के लिए ये पैरामीटर ऊष्मा और कार्य के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, दिशा विपरीत हो जाती है, अर्थात उत्क्रमणीय इंजन को रिवर्स डायरेक्शन में यूज करने पर यह रेफ्रिजरेटर की भांति व्यवहार करेगा और यह निम्न ताप के स्रोत से क्यू माइनस W ऊष्मा ग्रहण करता है, इस पर W कार्य करवाया जाए तो यह क्यू ऊष्मा स्रोत को उच्च ताप पर हस्तांतरित करता है।
तो हम इन दोनों डिवाइस को उत्क्रमणीय इंजन को एज ए रेफ्रिजरेटर और अनुक्रमणीय इंजन को संयुक्त रूप में एक युक्ति की भांति अगर कार्य करवाएं, तो इंजन के द्वारा किया गया कार्य रेफ्रिजरेटर के लिए आवश्यक कार्य के तुल्य होगा, उसकी जगह यूज किया जा सकता है। अतः यह युक्ति कंबाइंड रूप में संयुक्त रूप में न तो कोई कार्य युक्ति पर किया जा रहा है बाहर से, न ही युक्ति के द्वारा कुछ कार्य हो रहा है, केवल ऊष्मा का हस्तांतरण हो रहा है। तो इस ऊष्मा हस्तांतरण को देखते हैं कि माना निम्न ताप T2 पर सिंक से कार्यकारी पदार्थ के द्वारा युक्ति के द्वारा कितना कार्य सॉरी कितनी ऊष्मा ग्रहण की जाती है। उस ऊष्मा का मान T2 ताप पर ग्रहण की गई ऊष्मा कितनी हो जाएगी। यह ऊष्मा ग्रहण कर रहा है तो इसको धनात्मक रख लेंगे Q-W, और Q-W ऊष्मा सिंक को दी जा रही है तो इसको माइनस कर देंगे Q-W, अर्थात वैल्यू W कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ गई Q-Q-, और Q-Q- का मान क्या है, पॉजिटिव धनात्मक। अर्थात T2 ताप पर निम्न ताप के सिंक को ऊष्मा दी जाती है। अब चेक कर लेते हैं T1 ताप पर दी गई ऊष्मा स्रोत को T1 ताप पर कितनी ऊष्मा दी जा रही है, क्यों ऊष्मा दे रहे हैं तो इसको धनात्मक रखेंगे, Q2 ऊष्मा ग्रहण की जा रही है इसको नेगेटिव कर देंगे, तो इसका डिफरेंस आ गया Q-Q-, और यह राशि क्या है, धनात्मक। अर्थात जब एक उत्क्रमणीय इंजन को रेफ्रिजरेटर की भांति और अनुक्रमणीय इंजन के साथ संयुक्त युक्ति के रूप में कार्य करता है, तो बिना कार्य किए यह युक्ति निम्न ताप के स्रोत से उच्च ताप के स्रोत को ऊष्मा हस्तांतरित करती है, ऊष्मा ग्रहण करता है निम्न ताप के स्रोत से, उच्च ताप के स्रोत को ऊष्मा देता है। अर्थात ऊष्मा का स्वतः प्रवाह निम्न ताप से उच्च ताप की ओर होता है, और यह जो स्टेटमेंट है या यह जो आर्गुमेंट है वो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है, क्योंकि प्रकृति यह कहती है कि ऊष्मा का प्रवाह सदैव उच्च ताप के क्षेत्र से निम्न ताप के क्षेत्र की ओर होता है, तो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ऊष्मा का प्रवाह संभव है। स्वतः बिना कार्य किए निम्न ताप से उच्च ताप पर ऊष्मा का प्रवाह संभव नहीं है। अर्थात जो हमारा रिजल्ट आया है वह एक गलत स्टेटमेंट है। अर्थात जो परिकल्पना हमने स्टार्ट में की थी यह परिकल्पना हमारी क्या होगी, गलत होगी, और यह संभव नहीं है। तो क्या होगा, किन्हीं दो तापों के मध्य कार्य करने वाले उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता का मान अनुत्क्रमणीय इंजन की दक्षता से कम नहीं हो सकता, या अनुत्क्रमणीय इंजन की दक्षता उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता की तुलना में अधिक होता। तो यह कार्नोट प्रमेय के प्रथम भाग को हमने सही सिद्ध कर दिया। अब द्वितीय भाग को सिद्ध करने के लिए हमने माना कि T1 ताप और T2 ताप के दो स्रोत के मध्य दो उत्क्रमणीय इंजन कार्य कर रहे हैं, माना दो उत्क्रमणीय इंजन R और R' समान ताप के स्रोतों के मध्य कार्य करते हैं, लेकिन इनमें कार्यकारी पदार्थ हमने परिवर्तित कर दिया। कार्यकारी पदार्थ को अगर परिवर्तित कर दिया तो यह क्यों ऊष्मा ग्रहण करेगा, पर मान लिया इनकी दक्षता क्या है, अलग अलग, इसकी दक्षता ले ली हमने ईटा आर को क्यू अपॉन डब्ल्यू से डिनोट कर दिया, और ईटा आर डैश इसकी दक्षता को हमने डब्ल्यू अपॉन क्यू और डब्ल्यू अपॉन क्यू डैश से प्रदर्शित कर दिया। और जैसा हमने पहले भाग के सत्यापन के लिए किया था ठीक उसी प्रकार इन दोनों युक्तियों को, इस केस में हमारे पास दोनों युक्तियां कौन सी है, उत्क्रमणीय इंजन है, तो उत्क्रमणीय इंजन का यह गुण होता है कि इसको विपरीत दिशा में कार्य करवाकर हम एक रेफ्रिजरेटर की भांति काम में ले सकते हैं, और इस केस में
इसके कार्य और ऊर्जा के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता, कार्य और ऊर्जा के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। यह निम्न ताप के स्रोत से समान मात्रा में ऊर्जा ग्रहण करता है, इस पर समान कार्य करवाया जाए तो यह समान मात्रा में ऊर्जा को स्रोत को हस्तांतरित कर देगा। और मान लें कि ईटा आर का मान ईटा आर डैश से अधिक है, अगर ये कंडीशन लें तो इस केस में भी हमारे पास रिजल्ट वही आएगा कि निम्न ताप से उच्च ताप की ओर ऊर्जा का हस्तांतरण होता है, जो कि संभव नहीं। अर्थात पिछले खंड की बात थी, इसमें भी यही रिजल्ट आएगा कि दोनों में से किसी भी केस में जो दक्षता है उसका मान दूसरे की दक्षता से अधिक नहीं हो सकता। अर्थात दो समान ताप के स्रोतों के मध्य कार्य करने वाले उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता का मान समान होता है और यह कार्यकारी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। अर्थात हमारा जो प्रमेय था जिसका स्टेटमेंट है, तो समान तापों के मध्य कार्य करने वाले उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता जो होती है वो अधिकतम होती है और इसका मान कार्यकारी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। यह हमने सिद्ध कर दिया, दो पार्ट में इसको डिवाइड, दोनों पार्ट में अलग अलग इसको प्रूव करना है और उसके बाद में हम कंबाइंड इस स्टेटमेंट को सिद्ध कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।